हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज का टॉपिक है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कुछ पर गुड बजट के ऊपर। तो ये है छोटा सा टॉपिक, छोटा सा वीडियो है जो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें बजट क्या होता है और क्या डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट कैनन ऑफ द बजट के ऊपर डिस्कशन किया। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने से पहले जो इकोनॉमिक्स टॉपिक जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर लेट। उससे पहले तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए एग्जाम में कुछ भी याद ना आए तो अपने हिसाब से कुछ तो लिख सकते हैं ना। उससे पहले तो बैलेंस कुछ मतलब जनरल, अगर हम वीडियो को ना देखें तो क्या होना चाहिए? देखो, बजट एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी अगर बना रही, गवर्नमेंट बना रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मेन थिंग। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने डाटा से रिलेटेड एक्यूरेसी वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो भी वो रिलायबल दे रहे हैं वो बिल्कुल रिलायबल हो, ही नहीं कि इमेजनरी हो, कुछ भी अपने मन से बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर हमें चेंजेस करने पड़े किसी भी मोमेंट में तो हम चेंजेस कर सकें, और बैलेंस हो बजट। ठीक है, और क्या लगता है आपको? एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, डिटेल में हो, थोड़ा सा यूनिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, इनकम में सब कुछ भी दिखाने में, तो ये सब चीज़ें आप गुड क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, ये सब चीज़ें अपना कैनन ऑफ बजट वाला जो मेरा वीडियो है वो आप ज़रूर देखें। तो वहाँ से क्या होगा, आपका दोनों चीज़ कवर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैनन में भी लिख सकते हैं उस चीज़ को, आप जो क्वालिटीज़ है गुड बजट उसमें भी लिख सकते हैं, दोनों में हेल्पफुल रहेगा। चलिए आज के वीडियो में थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। बाकी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एग्ज़ाम वगैरह कुछ याद ना आए तो ये सब टॉपिक को एक एक जो वर्ड मैंने आपको बताएं इसको याद रखना, और अपने हिसाब से थोड़ा सा लंबा करके आप लिख सकते हैं थियोरेटिकल पेपर में। ठीक है, और MCQ है तो आपको पूरा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस इस तरह से आप एक एक वर्ड जो है याद कर लीजिए और छोटे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्रिहेंसिव मतलब का है कि डिटेल में। ठीक है, बजट कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि एंटायर पोर्शन जितना भी है ब्रॉड डिटेल में होना चाहिए, सारे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, टोटल पिक्चर होनी चाहिए, मे बी एट सीन एंड क्लास कि मतलब कि इस तरह से बनाना होना चाहिए कि हम टोटल पिक्चर में पता चल जाए क्या है इस बजट के अंदर, इस तरह से बजट प्रिपेयर होना चाहिए। सेकेंड, बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस बजट जैसे कि रिसिप्ट एंड जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दोनों ही इक्वल होने चाहिए। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, डिटेल एलोकेशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ इम्प्लीमेंट कुछ अगर लास्ट में हमें करने पड़े तो हम इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कि एवरी बजट जितना भी है वो प्रिपेयर इस तरह से है कि पिंग इन द व्यू सर्टेन डिफाइन ऑब्जेक्टिव कि हाँ यही है मेरे ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि हमें वुमेन को एम्पावरमेंट करना है, तो वुमेन एम्पावरमेंट से क्या होगी स्कीम्स लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं इस टाइप से वर्ड्स आपने सुने होंगे बजट में, अगर आपने देखा होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन किस में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। अगर गवर्नमेंट बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ पे? रोड में, ट्रांसपोर्ट में, कहाँ पे, क्या बात करी? तो ये ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि हम ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है UPSC किस में, मतलब कि अगर मान लीजिए हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव है लेकिन क्या है, UPSC है ओके, रेलवे के एग्जाम है ओके, SSC है ओके। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसी में फिर हम इसी को अपना सर्टेन व्यू लेके आगे बढ़ेंगे। एवरी बजट इज प्रिपेयर कीपिंग इन व्यू सर्टेन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, द बजट शुड बी बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव, तो बजट भी उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही अंडरलाइन उसी के हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ है रिलायबिलिटी, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो रिलायबल होनी चाहिए, ना कि इमेजनरी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, जितना भी बजट एस्टिमेट किया है उसके हिसाब से ही एज मच एज पॉसिबल जितना रिलायबल हो सके होना चाहिए। सिक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो भी बजट बनाए। ठीक है, और प्रिपेयरिंग ऑफ बजट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम वेल डिफाइंड अथॉरिटी, कुछ वेल डिफाइंड अथॉरिटी है वो बनाए। इट मस्ट बी प्रिपेयर बाय सब सीनियर अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर बनाती हैं,
लेकिन इसके लिए जो कैबिनेट होता है पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही जिम्मेदारी की ज़रूरत है एक गुड बजट बनाने के लिए, एक गुड क्वालिटी का बजट बनाने के लिए। 7 है इंटीग्रिटी, इसका मतलब कि बजट को इवॉल्व होना चाहिए एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल जो प्रोग्राम है उसको हम सही तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, एज एन एक्ट विल बी कैरिड आवर सब्सटेंशली एंड एज इंटेंडेड विदाउट एनी इफ एंड बट, बिना किसी इफ और बट के हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 8 है कि डिफाइंड पीरियड होना चाहिए, बजट टू प्रिपेयर फॉर अ डिफाइंड पीरियड यूजुअली फॉर अ कंप्लीट ईयर। एक जो बजट बनता है हर साल एक पूरे ईयर के लिए बनता है, ठीक है, उसका एक डिफाइंड पीरियड होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कवर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ भूल जाते हैं तो कुछ और पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं जो कि बजट को एक गुड क्वालिटी बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव बजट होना चाहिए या कैन ऑफ एनुअलिटी होनी चाहिए, एक साल का बजट प्रिपेयर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड होना चाहिए हर चीज़। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अगर आप भूल जाते हैं तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि भैया गुड बजट है तो आप क्या लिखेंगे, कुछ याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बजट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप खुद ही सोचिए आप घर का बजट बनाते हैं तो क्या क्या आप पॉइंट्स लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको आप ब्रॉड लेवल पर ले लीजिए, घर के बजट में तो कुछ भी चल जाता है, अगर गलती भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप पूरे कंट्री का बजट बना रहे हैं तो आपको ध्यान से सही से बजट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने हिसाब से भी आप पॉइंट्स वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।